संसद से दर्जनों सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार का विरोध करते करते विपक्षी सांसद सब कुछ भूल गए। मंगलवार को यह विरोध इस हद तक पहुंच गया कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के निशाने पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आ गए, जिनकी खूब मिमिक्री की गई और इसे लेकर पूरे देश में विपक्षी सांसदों की जमकर फजीहत भी हुई। खुद पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति को फोन कर दुख जताया। वहीं इस मामले को लेकर मिमिक्री करने वाले सांसद कल्याण बनर्जी ने भी सफाई दे दी है। संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर हंगामा कर रहे सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद प्रदर्शन कर रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान अब तक 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित किए जाने को लेकर विपक्ष संसद परिसर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहा है। इसी दौरान मंगलवार को टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की। इसे लेकर पूरे विपक्ष की सामूहिक निंदा हुई, लेकिन इस मामले में सफाई देते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि मिमिक्री एक कला है। उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का अपमान करने के सवाल पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि हम उपराष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, उनका अपमान करने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा से अब तक 107 और राज्यसभा से 34 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। इसी को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। ये विरोध बुधवार को भी जारी रहा, जहां संसद परिसर में ही गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी सांसद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं।